हाय गाइस, वेलकम टू दीप इलेक्ट्रॉनिक सर्विस सेंटर। तो गाइस, आज के इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं 12 वोल्ट की पावर अडाप्टर के बारे में। कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी पावर अडाप्टर ख़राब हो जाता है, चाहे वो सेट टॉप बॉक्स का हो, चाहे वो एलईडी एलसीडी का हो, चाहे वो लैपटॉप का हो, तो किसी भी चीज़ का अगर पावर अडाप्टर ख़राब हो जाए तो हम लोग किस तरह से पावर अडाप्टर को ख़रीद के हम कहाँ पे कौन सा पावर अडाप्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। सो बताने से पहले आप लोगों के पास एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिया हुआ जो लाल बटन दिख रहा है उसको दबा के आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँगा तो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएंगी। तो गाइस, ये जो आप पावर अडाप्टर देख रहे हो 12 वोल्ट एंड 2 एम्पियर का है, तो ये मैन्युफैक्चर इंडिया में ही किया गया है। तो आपको दिखा देता हूँ इसका, आप इस उसका जो कवर है कुछ इस तरह की दिखेगा आपको, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि 12 वोल्ट 2 एम्पियर का है। तो मैं इसको आपको निकाल के एंड खोल के दिखाऊंगा कि इसके अंदर जो बिल्ड क्वालिटी है, तो कितना कंपोनेंट लगा हुआ है, इसको भी खोल के आपको दिखाऊंगा। तो इसको खोलने के लिए आपके एक ज़रूरत होगी ओपनर की, तो मैं ओपनर ले लेता हूँ, उसके बाद आपको इसको खोल के दिखाता हूँ। ये लीजिए अपना ओपनर। तो गाइस, हम इसको क्यों खोल के दिखाएं आपको, क्योंकि गाइस जो मार्केट में मिलता है ये काफ़ी सस्ता है और इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो इसको आपको मार्केट में 100 रुपये में आपको मिल जाएंगे। तो अगर मान लीजिए कोई भी पावर अडाप्टर ख़राब हो गया है, पावर सप्लाई किसी छोटे 15 या 15-20-24 इंची का कोई भी एलईडी एलसीडी का पावर अडाप्टर ख़राब हो गया है, तो हम वहाँ पे इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो इसको हम निकाल के, इसका जो अंदर बोर्ड है आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो इसको निकालने के लिए, एक पावर अडाप्टर के निकालने के लिए आपको एक ओपनर की ज़रूरत होगी। तो हम इस सील को काट देते हैं। तो उसके बाद हमें क्या करना है, एकदम अच्छे से इसको इस तरह से एकदम धीरे से इस साइड से आपको खोल लेना है, ताकि ये आराम से खोल जाएगा इस तरह से। तो ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करना है, तो सिर्फ इस तरह से करना है, और उसके बाद धीरे से ऐसे कर देना है आपको, और उसके बाद ये अपने आप खुल जाएंगे। तो गाइस, आपको क्या करना है, धीरे इस तरह से आपको डालना है और धीरे से इस तरह से ऊपर की तरफ कर देना है, और देख सकते हो कि कितने आसानी से ये ओपन हो गया है। और उसके बाद आप देख सकते हो इसका बिल्ड क्वालिटी है, तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं काफ़ी जगहों पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक ट्रांजिस्टर दिया गया है और काफ़ी सारे कंपोनेंट दिया गया है गाइस। तो इसका जो एम्पियर है वो भी बहुत ही अच्छा है, 2 एम्पियर का है। तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो बड़े टीवी है, सिर्फ हम इसको यूज़ करते हैं, जो 14 इंची से लेके 15 इंची का जो मॉनिटर होता है, सिर्फ हम उसी पे इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको कोई भी 20-25 या 30-32 इंची में आपको इस्तेमाल करना है तो आप इसको यूज़ मत कीजिए, क्योंकि ये जो ज़्यादा लोड नहीं ले पाते हैं। सिर्फ ये जो है, हम सबसे ज़्यादा इसको हम यूज़ करते हैं जो मतलब छोटे छोटे चीज़ होता है। मान लीजिए कि हमारे पास कोई सेट टॉप बॉक्स रिपेयरिंग के लिए आया है, तो उस तरह की चीज़ों में हम इसको इस्तेमाल करता है, क्योंकि ये चाइना का लगा हुआ है। आप देख सकते हो इसको, SMD कंपोनेंट कुछ भी है नहीं, और जिस हिसाब में रहता है गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे जो ऑक्टो वाला लगा हुआ है वो भी सही है। तो ये हम यूज़ करते हैं, अगर इसको अगर ख़राब भी हो जाए तो वो भी रिपेयरेबल है, क्योंकि ये जो सारे के सारे जो कंपोनेंट्स है ये नॉर्मल कंपोनेंट से बनाया गया हुआ है, कोई भी SMD कंपोनेंट्स नहीं है। तो आप इसको इजीली रिपेयर भी कर सकते हो, और चाहे तो आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हो, क्योंकि इसका जो प्राइस है सिर्फ 80-90-100 रुपये में आपको इंडियन मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान पे मिल जाएंगे। और ये जो आप केबल देख रहे होंगे, केबल भी बहुत ही काम आता है गाइस। तो इस केबल का हम क्या करते हैं, इसको रख लेते हैं, बाद में कोई भी केबल टूटा फूटा आता है तो इसको रिप्लेस कर देते हैं। उसका हमें 100 रुपया, यानी कि मिनिमम तो 60-70 रुपया हम ले ही लेते हैं इस केबल का। सो अगर इस वीडियो को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए और भी नए नए इंस्ट्रक्शन और रिपेयरिंग के वीडियो देखने के लिए। सो थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।